दिन पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या बता रहा हूं आपको, 453,561। ये फिगर है। और जॉब कार्ड जो बटे हैं वो 236,937। इस प्रकार से 125 आपने किसी ने कहा ना कि साहब 125 दिन तो किसी ने पूरे नहीं किए। अगर ढूंढ गया तो इस एडवेंचर के लिए मैं बधाई देना, बधाई उसमें और कुछ नहीं कर रहा। कमाल, 2,00,000 के बजोग 4,00,000 होते। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बोला कि 125 दिन एक आदमी ने भी पूरे नहीं किए। मेरे पास फिगर है 38,530 लोगों ने जो है पूरे 125 दिन काम किया है। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये जो पेंशन योजना अभी चल रही है, मंत्री बोल रहे हैं तो सुनिए, इस पेंशन योजना में जवाब तो उनका है, जवाब तो उनका है ना? नहीं, देखो मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं जिससे कि आप गरीबों को, बेरोजगारों को और आपको महंगाई से राहत मिलेगी और बेरोजगारों को आवश्यक रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा। इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं कि पेंशन की अभी जो योजना चल रही है उसमें ओल्ड एज पेंशन भी आ गई, लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान भी शामिल हो गए और शेष योग्यजन, विशेष योग्यजन और पेंशन स्कीम, विधवा, एकल महिला वगैरह वगैरह, ये सब स्कीम शामिल हो गए। एक्ट में मिनिमम 1,000 रुपए का पेंशन देने की योजना को पात्र बनाया गया है। हर साल उनकी पेंशन 15% बढ़ेगी, 5% जुलाई में बढ़ेगी और 10% जनवरी में बढ़ेगी, लेकिन बेस बढ़ने का जो है वो 1,000 रुपए ही रहेगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सहकार बोर्ड भी बना है जो रोजगार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मॉनिटरिंग करेगा। इन तीनों योजनाओं को कंबाइन करने के लिए हम इस एक्ट के जरिए एक नया नाम दिया है हमने, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना। गरीब व मजदूर, किसान, महिलाएं, बेरोजगार युवकों के प्रति संवेदनशील और उनकी महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार पूरे देश में ऐसी पहली सरकार है। गौर से सुन लीजिए, ये पहली सरकार है जो इस प्रकार की गारंटी योजना के लिए एक्ट लेके आई है। बेस सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, विशेष योग्यजन, कथरिया, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा आदि को भी 200 उनके लिए 200 दिन का रोजगार रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र में वो मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमने इस एक्ट में ये प्रोविजन भी किया है, राजस्थान ने गृहस्थी के खर्च को कम करने के लिए ही ये सब कुछ काम किया गया है। अब आप कह रहे कि 1,000 की पेंशन देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, आपका कहना यह है कि 1,000 रुपया उनको देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका गुजारा कैसे चलेगा? तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 1,000 रुपए में शामिल जो इनकम शामिल नहीं है उनको निःशुल्क इलाज भी, 25,00,000 रुपए चिरंजीवी योजना के तहत, 10,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए के में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं और 200 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, अन्नपूर्णा राशन जो किट 25 तारीख से चालू होने वाला वो दे रहे हैं। सभी चीजों का इनकम, सभी चीजों को मिलाया तो इनकम जो है निश्चित तौर पर उनकी बढ़ेगी। ऐसा बेमिसाल ऐतिहासिक कानून आज तक किस देश में किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। जिस प्रकार की गारंटी यहाँ के प्रदेशवासियों को दी जा रही है किसी सरकार के द्वारा, ये पहली सरकार है जिसने इस बार इस गरीब की सोच करके और इस महंगाई से किस प्रकार से मुकाबला किया जा सकता है
इस बात को सोच करके जो है इस प्रकार का कानून बना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिल को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया जाए। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023। श्री शांति धारवाल। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय 2 घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए। बढ़ाया गया। सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सार्वजनिक